hello students welcome back in today's lecture we are going to start our chapter number 10 that is microbes and human welfare so in the last chapter we had discussed about the various diseases that are caused by mainly microbes and these microbes can be bacteria virus protozoans etc so now mainly

उनका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और मेनली ये जितने माइक्रोब्स हैं पर्टिकुलर बैक्टीरिया तो उसे हम इंक्लूड करते हैं मोनेरा फैमिली में ये माइक्रोब्स जो है वो वाटर एयर सॉइल ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं तो ये उनकी अगर हम वैराइटीज़ की बात करें तो वो मेनली अर्थ पे किसी भी जगह पे प्रेजेंट होते हैं यानी कि जो नॉर्मल एटमोसफियर है वहाँ पे तो ये माइक्रोब्स होते ही हैं लेकिन उसके अलावा और हम हैबिटेट की बात करें फ़ॉर एग्जांपल वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज़ अराउंड हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो वहाँ पे भी कुछ माइक्रोब्स फॉर एग्जांपल थर्मस एक्विटिक्स ऐसे माइक्रोब्स जो है वो सरवाइव कर सकते हैं और मेनली ये जो थर्मस एक्विटिक्स बैक्टीरिया है उसमें से हम डी एन पॉलीमरेज जो है वो सेपरेट करते हैं या फिर उस एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए हम मेनली थर्मस एक्विटिक्स को यूज़ करते हैं और ये जो डी एन पॉलीमरेज एंजाइम है वो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रोसेसिस हैं जिसमें इंक्लूडेड होता है दैन उसके अलावा और ऐसे कई बैक्टीरिया है जो कि वेरी हाई एसिडिक पीएच पे भी सर्वाइव कर सकते हैं तो इस तरह से माइक्रोब्स जो हैं जहाँ पे ऐसी हैबिटेट जहाँ पे कोई नॉर्मल लिविंग फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट ना कर पाए लेकिन वहाँ पे ये माइक्रोब्स जो है वो मेनली प्रेजेंट होते हैं तो मेनली माइक्रोब्स जो है उसमें हम बैक्टीरिया फंजाई और वायरस और प्रोटोजूंस जो है इनको इंक्लूड करेंगे तो इसमें से कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन को डिजीज़ कॉस करते हैं और मेनली ये माइक्रोब्स जो है उनकी साइज जो है वो बहुत टाइनी होती हैं यानी कि हम आई से उन्हें देख नहीं सकते तो अगर हमें इन माइक्रोब्स को ग्रो करना है तो हम उनके लिए एक पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो अब ये जो न्यूट्रिटिव मीडिया है उस मीडिया में हम मेनली अगर अगर जल और उसके अलावा उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन हम उसमें ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन सोर्स कार्बन सोर्सिस विटामस सॉल्ट्स एक्सेट्रा तो जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उस हर एक ऑर्गेनिज्म की जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है वो डिफ़रेंट होती है तो हमें जिस भी माइक्रोब को ग्रो करना है तो उसका जो न्यूट्रिटिव मीडिया है वो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं और ये अगर अगर जेल जो है उसे हम पहले मेल्ट करेंगे और उसके बाद इसमें यहाँ पे आप जो देख रहे हो राउंड डिस्क लाइक उसे हम बोलते हैं पैट्री प्लेट तो मेनली जो बैक्टीरिया हैं उन्हें हम इस तरह से ग्रो करते हैं तो आप जी यहाँ पे आप ये जो वाइट पोर्शन देख रहे हो वो मेनली है उसका न्यूट्रिटिव मीडिया और यहाँ पे आप ये जो वाइट स्पॉट देख रहे हो सारे वो है बैक्टीरिया की कॉलोनी यानी कि बैक्टीरिया जो है वो कंटीन्यूसली डिवाइड होगा और उसके नंबर्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जाएंगे और जैसे ही इस बैक्टीरिया के नंबर इंक्रीज़ होंगे तो उनका जो ग्रुप है उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी तो अब ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है दैट वी कैन सी विद नेकेडाइज तो इस तरह से सूटेबल कल्चर जो है या फिर सूटेबल जो न्यूट्रिटिव मीडिया है उसे प्रोवाइड करके हम माइक्रोब्स जो है उन्हें ग्रो कर सकते हैं और उन माइक्रोब में जो भी स्टडी कैरी ऑन करनी होती है तब हम इन माइक्रोब्स को इन कॉलोनी या फिर ये जो पैट्री प्लेट है उनमें से यूज़ करते हैं सो मेनली यहाँ पे जो बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है उसमें अराउंड थाउजेंड टू लाइक इतनी रेंज के बीच में बैक्टीरियाज के नंबर जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं सो अब यहाँ पे नंबर्स कितने हैं वो मेनली कॉलोनी की जो साइज़ है उस पर भी डिपेंड करते हैं तो इस तरह से माइक्रोब्स जो हैं उन्हें हम लैब में ग्रो कर सकते हैं सो इन दिस चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट दी वैराइटीज ऑफ एडवांटेजेस यानी कि ये माइक्रोब्स जो है वो हमें किस तरह से बेनिफिशियल है या फिर ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं सो फर्स्ट थिंग दैट इज़ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में फर्स्टली हम बात करते हैं जो कि हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज कट तो कट जो है वो नॉर्मली हमें पता है कि जो मिल्क होता है उसमें से फॉर्म होती है तो अगर हम मिल्क को ऐसे ही छोड़ देते दे हैं तो डायरेक्टली उसमें से कर्ड फॉर्म नहीं होती लेकिन अगर हमें कर्ड बनानी है तो हम क्या करते हैं जो हमारे पास बजा हुआ बटर मिल्क यानी कि छाछ जो है उसे हम अराउंड हाफ स्पूर, हाफ स्पून और उसके अलावा थ्री टू फोर ड्रॉप जो है वो उसे हम मिल्क में ऐड करते हैं देन उसके बाद जो है वो उस मिल्क में से कर्ड फॉर्म होगी सो so मेनली ये जो कर्ड है जो कि हमने मिल्क में ऐड किए हैं तो वो कर्ड जो है उसमें मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं लाइक like लैक्टोबैसिलस और वैराइटीज ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो इन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं लैब दैट इज़ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो मेनली ये जो कर्ड है उसमें बहुत ही ज़्यादा हायर अमाउंट में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो जैसे ही मिल्क में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंसर्ट होंगे सो दे विल स्टार्ट ग्रोइंग और इनके ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो उन्हें मिल्क में से मिल जाता है तो अब मेनली ये क्या प्रोसेस करते हैं तो ये सारे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं दे विल प्रोड्यूस एसिड और उस एसिड की वजह से मिल्क में जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके अलावा सम प्रोटीन इन बैक्टीरिया के थ्रू डाइजेस्ट होता है एज दर पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन तो इस तरह से उन्हें मिल्क प्रोटीन न्यूट्रिटिव फॉर्म में मिल रहा है तो वो उसे कंज्यूम करेंगे और उनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी यानी कि उनके नंबर जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे तो उसकी वजह से जो एसिड प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा तो उसकी वजह से कर्ड जो है वो जल्दी से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी तो अब हम नहीं जो इनिशियली मिल्क में कर्ड या फिर जैसे हम कर्ड का सेकंड फॉर्म जो है छाछ बटर मिल्क अगर हम उसके ड्रॉप ऐड कर रहे हैं यानी कि उसमें हम इनिशियली माइक्रोब्स ही ऐड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनोक्यूलम और स्टार्टर कल्चर तो ये इनोक्यूलम या फिर ये जो स्टार्टर कल्चर है उसमें बहुत ही हायर अमाउंट में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और वापस से ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होंगे एसिड प्रोड्यूस करेंगे और मिल्क का जो प्रोटीन है उसे कोएगुलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो इस तरह से कर्ड जो है वो फॉर्म होगी तो अब कर्ड जो है उसकी मेनली हमारे लिए दो बेनिफिट्स हैं एक है कि वो हमारी बॉडी में जो विटामिन बी ट्वेल्व की क्वालिटी है उसे इंक्रीज करते हैं और सेकेंड जो है जो डिजीज कजिंग माइक्रोब्स हैं उन्हें भी प्रिवेंट करते हैं सो so मेनली ये जो कुछ बैक्टीरियाज है दे आर मेनली यूज एज प्रोबायोटिक्स यानी कि उन माइक्रोब्स को हम जो है हमारी बॉडी में कंज्यूम करते हैं और ये माइक्रोब्स जो है वो हमारी बॉडी में जो डिजीज कर्जिंग माइक्रोब्स हैं उन्हें डिजीज करने से प्रिवेंट करते हैं सो मेनली यहाँ पे क्या होगा अब गर्ड के थ्रू ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंटर होंगे तो वो मेनली हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ पे कॉलोनाइज हो जाएंगे यानी कि वो वहाँ पे अस्टैब्लिश हो जाएंगे और जैसे ही कोई डिजीज कर्जिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर होगा तो उसकी एस्टैब्लिशमेंट या फिर उसकी कॉलोनाइजेशन के लिए कोई स्पेस जो है वो एम नहीं होगी तो वो पर्टिकुलर जो डिजीज़ कजिंग माइक्रोब है वो अगर कॉलोनाइज नहीं होंगे तो वो हमारी बॉडी में डिजीज भी नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से ये माइक्रोब्स जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं देन हाउस होल्ड में अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो वो है इडली और डोसे का जो डो होता है तो मेनली इडली और डोसे की जो प्रोसेस है उसमें हम मेनली क्या करते हैं वीट और जिसे अड़द की दाल बोलते हैं उसे मेनली हम क्या करते हैं उनकी पेस्ट बना के उन्हें थोड़ी देर के लिए रख देते दे हैं तो यहाँ पे अब क्या प्रोसेस होगी तो हम जैसे ही इस डो को थोड़ी देर के लिए रख देते दे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा यानी कि डो जो है उसमें एक पफी अपेरेंस आ जाता है तो ये मेनली डो जो है उसका साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है क्योंकि उस डो में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो वो सारे माइक्रोब जो है वो सी ओ टू गैस प्रोड्यूस करते हैं तो उस गैस की वजह से डो की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी या फिर उसका अपेयरेंस जो है वो थोड़ा पॉफी हो जाएगा तो अब कार्ड के फॉर्मेशन में तो हमने बात की कि उसमें हमने माइक्रोब्स जो है वो ऐड किए थे लेकिन यहाँ पे हम जो है वो कोई भी माइक्रोब ऐड नहीं कर रहे तो यहाँ पे अब ये जो सी ओ टू का प्रोडक्शन और ये पूरी जो फॉर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो मेनली कहाँ से आते हैं तो वो माइक्रोब्स जो है वो जो हम राइस या फिर उड़द की दाल तुअर की दाल वो दाल जो यूज़ करते हैं तो उनकी सरफेस पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं सो so इस प्रोसेस में जो मेन बैक्टीरिया का रोल है वो बैक्टीरिया है ल्यूकोनास्टॉक मैसेंटेरॉयड्स तो ये ल्यूकोनास्टॉक मैसेटेरॉइड जो है वो मेनली जो उड़द की दाल है उसकी सरफेस पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो जैसे ही आप उसकी पेस्ट को फर्मेंटेशन के लिए रखोगे तो ये जो लिकोनस्ट्राइड मैस्टेंटराइड बैक्टीरिया है वो फॉमेंटेशन की प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन करेंगे तो इस तरह से इस डो में फॉमेंटेशन की प्रोसेस होगी देन उसके अलावा जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स होती है यानी जो बेक प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल केक ब्रेड या फिर आप और कोई भी बेकरी की प्रोडक्ट ले लो तो उसमें भी जो डो है उनका फॉमेंटेशन होता ही है उसी की वजह से उनका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी होता है तो मेनली ये सारे जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम फॉर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं यस्ट विच इज़ अ सिंगल सेलुलर फंजाई तो उसकी हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसियाई तो ये आपको कई बार एम में भी पूछा जाता है कि बेकर जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है सो दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई तो जैसे ही कोई ब्रक्री प्रोडक्ट के लिए डो फॉर्म होगा तो उस डो में मेनली जो है जो बेकरस यस्ट जो है वो ऐड की जाती है और उस डो में जो है ये सेकोरोरेवेसियाई ईस्ट जो है वो मेनली फमेंटेशन की प्रोसेस कैरी ऑन करेगी तो उसकी वजह से सीओ टू प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से इन सभी का टेक्सर जो है वो थोड़ा स्पॉन्जी होगा देन और कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें से एक है टोडी सो मेनली टोडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथन इंडिया तो अब जी टोडी जो है वो कैसे फॉर्म किया जाता है तो मेनली जो पाम ट्रीज हैं उन पाम ट्रीज में एक कट लगाया जाता है तो उसमें से जो सेप यानी वो एक तरह का लिक्विड है वो उनमें से बाहर आता है तो उसे इस तरह के पॉट में जो है वो कलेक्ट किया जाता है देन उसे थोड़े दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है तो इस मेनली ये जो सैप में फर्मेंटेशन होगा यानी कि ये जो फर्मेंटेड सैप है जो हमें पम्प्स में से मिलते हैं उसमें जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब जो ड्रिंक मिलती है उसे हम बोलते हैं टॉडी न हम और कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो फॉर्मेंटेड फिश फॉर्मेंटेड सोयाबीन्स बैम्बू शूट्स ऐसे कई तरह की और भी फूड्स हैं जो कि हम आफ्टर फॉर्मेंटेशन जो है वो यूटिलाइज करते हैं तो उस फार्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स जो है उनके टेस्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं यानी कि उनका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है उसके लिए हम इनमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते दे हैं देन हम दूसरी बात करें तो उसमें है चीज़ तो मेनली चीज़ जो है वो उनकी बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ जो है वो प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल मोजरेला रॉकी फोर्ड चीज़ स्वीस चीज़ तो ऐसे कुछ चीज़ जो है जो हम मेनली बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ करते हैं तो ये हर एक चीज़ जो है उसका टेक्सचर, फ़्लेवर और टेस्ट जो है वो वेरी करता है तो ये टेस्ट फ्लेवर और टेक्सचर जो है वो मेनली चीज़ टू चीज़ वेरी क्यों होता है क्योंकि चीज़ की फॉर्मेशन के लिए जो हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं वो चीज़ के टाइप पर डिपेंड करते हैं यानी कि आप डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स जो है वो यूज़ करोगे तो आपको चीज़ जो है वो भी डिफरेंट टाइप की ऑब्टेन होगी फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्विस चीज़ की बात कर रहे हैं तो मेनली स्विस चीज़ जो है जो आपने डोमेंजरी कार्टून में देखी है बिग हॉल वाली जो चीज़ है वो है स्विस चीज़ तो मेनली स्विस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए हम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इस माइक्रोब को यूज़ करते हैं सो so, मेनली अब ये जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी है वो मेनली चीज़ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सी ओ टू जो है वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से चीज़ में जो है वो बहुत ही बड़े बड़े हॉल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे क्योंकि सी ओ टू जो है वो एयर में रिलीज़ हो जाएगा तो उसकी जो स्पेस थी वहाँ पे बड़े से हॉल प्रेजेंट होते हैं देन उसके अलावा रॉकवी चीज़ जो है उसकी जो राइपनिंग की प्रोसेस यानी कि उसकी पकने की प्रोसेस जो है उस टाइम पे हम उन उसे फंजाई से राइपन करते हैं तो ये फंजाई जो है वो उस फॉर्ट चीज़ में एक स्पेसिफिक फ्लेवर प्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह से और भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं